क्योंकि साहब ये इसके अलावा ये भी जवाब दें कि ये मियां नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ये दरख्वास्त दी है जमानत की सेहत की बुनियाद पर, तो क्या आपको ग्राउंड बदल गई जिसकी बुनियाद पर दोबारा इन्होंने दरख्वास्त दी है? ये बतौर एक लॉयर के मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसकी क्या कोई लीगैलिटी है? मियाँ नवाज शरीफ ने अब तो सेहत की बुनियाद पे दी है ना दरख्वास्त। वो उनकी जहाँ तक मुझे इल्म है, जो मैंने पढ़ा है इसके बारे में, अखबारों में जो आया है, मीडिया पे जो रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने पहले जो पहली उनकी कन्विक्शन हुई थी उसमें दरख्वास्त दी थी ज़मानत की, जो इनको 10 साल हुई थी और मरियम बीबी को 7 साल हुई थी, वो एवन फील्ड की, एवन फील्ड की जमानत यार ट्रायल वो सही है, कोर्ट, वो चूंकि नैब का मैटर था वो हाई कोर्ट ही देख सकता था। दो जजेस की जजमेंट थी, अतर मिनल्ला साहब जो अब चीफ जस्टिस हैं और हसन गुल औरंगजेब साहब, उन्होंने उस नवाज शरीफ को और मरियम बीबी को जमानत दे दी। जमानत के फैसले में उन्होंने डिस्कशन गालिबन सारे केस की मुकदमे की कर दी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो साकिब निसार साहब ने पहली पेशी पे ही जब सुप्रीम कोर्ट में मामला नैब लेके गई, उन्होंने कहा मैंने ऐसा कोई फैसला ही नहीं देखा सारे करियर में, पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा, बहाल रखा। सिर्फ ये बता दिया कि जब कन्विक्शन के बाद जमानत हो तो उसकी बड़ी कड़ी शरायत होती हैं और कैंसिलेशन के लिए भी बड़ी कड़ी शरायत होती हैं, सो कैंसिलेशन करना भी मुमकिन नहीं। और साथ उन्होंने हिदायत दी कि जब जमानत आप ऐसे केस में लें तो उसके लिए भी बड़े स्ट्रांग ग्राउंड होने चाहिए। अब मियाँ साहब की दूसरी अजीजिया स्टील मिल में दूसरी हुई कन्विक्शन, दूसरी सजा हुई। अब जब सजा हुई तो अब उन्होंने फिर रजू किया पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिसमें डिवीजन बेंच, दो जजेस के बेंच ने मुस्तरद की और उस फैसले में उन्होंने इस्तदलाल वो लिया जो सुप्रीम कोर्ट ने मियाँ साहब के ही केस में, एवन फील्ड की केस में जमानत में दिया था, कि बड़ी रेयर होता है कि इसके ऐसे केस में जमानत हो और बड़े स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होने चाहिए जमानत के लिए। अब मियाँ साहब को ये मुस्तरद हो गई उनकी अपील, उनकी बेल, उसके खिलाफ मियाँ साहब ने दो मांगी थी ग्राउंड्स बेल के लिए। एक मेरिट्स पे, मेरिट्स पे मतलब है वाकियाती तौर पे वो कहना चाहते थे कि कोई ग्राउंड बनता ही नहीं, कोई केस बनता ही नहीं, जिस तरह के पहले अतर मिनल्ला साहब ने एक फैसला दिया था। मेरिट्स वाला केस उन्होंने विड्रॉ कर ली पिटीशन, जिससे कुछ ये महसूस हुआ कि वो मेरिट्स पे अब चूंकि इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरिट्स पे उन्होंने तस्लीम कर लिया क्योंकि मामला कमज़ोर है। लेकिन दूसरा उन्होंने दूसरी दरख्वास्त एक और दी जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ ग्राउंड्स पे, सेहत के पे ऊपर मबनी और मेडिकल ग्राउंड्स पे थी। वो मेडिकल ग्राउंड्स वाली पे हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये उनके पास सारे जराए हैं जी जो कि किसी के पास होने चाहिए, जो उनको एक सेफ्टी नेट में रखते हैं हेल्थ के, तो हेल्थ के लिए, सेहत के लिए, उनके दिल के आर्जे के लिए उनके पास उनकी काफ़ी देखभाल हो रही है और मुमकिन है उनके जेल रहते हुए भी ऐसी देखभाल होने का। उसके खिलाफ अब वो सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। जरदारी साहब वाला मामला जो है, वो जो आपने भी सवाल पूछा दूसरा जी कि इस्लामाबाद मुंतकिल करने पे जो उन्होंने दरख्वास्त खिलाफ दरख्वास्त, उस पर ज़रा चौधरी साहब की राय ले लें। ठीक, चौधरी साहब ये ज़रा बता दें, ये मुकदमात एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, कानूनी तौर पे इसकी छूट किस
किन मराहिल पे होती है, कानून इससे मुतालिक क्या कहता है? कानून बड़ा क्लियर है जी, वाजे है कानून। इसको कहते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में कानून बड़ा वाजे है, जो इल्ज़ाम है वो जुर्म सरजद हुआ हो, जिस जगह उसके तमाम शवाहिद मौजूद हों, जिस जगह तमाम गवाहान मौजूद होते हों, ये वो जगह है, वो मकाम है, वो ज़िला है जिसमें के ट्रायल होना चाहिए। और इससे बड़ा कम, बहुत मैं कहता हूँ 10,000 में से या 20,000 में से एक केस मिलेगा आपको जिसमें एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र हो जाए। और आपको शायद पाकिस्तान में, मुझे नहीं मालूम, कोई केस जहन में नहीं आता कि जो एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र हुआ हो। तो ये तो बैनुस्सूबाई ट्रांसफ़र है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और जहाँ तक मेरी इतला है और मेरी इंफॉर्मेशन है, वो सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन इख्तियार करते हुए जनाब साकिब नवाज़ार साहब ने ये ट्रांसफ़र किया कराची से ट्रायल को इस्लामाबाद में।